एवरीवन, वेलकम टू जीबी यूट्यूबर। आज की वीडियो है स्पेशल जिनकी स्किन पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो गई है, ड्राई हो गई है और विंटर के अंदर वो तरह तरह की चीजें लगाने के बाद भी उनके चेहरे की जो रफनेस है वो नहीं जा रही है। तो आज की वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन को किस तरह से आप सॉफ्ट बना सकते हैं और एकदम जो आपकी स्किन पर रफनेस है उसको पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। और रिंकल की प्रॉब्लम अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा हो रखी है तो ये जो फेस पैक है वो आपके रिंकल की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर देगा। इसको बनाना और लगाना बहुत आसान है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, तीनों स्किन टाइप्स के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए जो चीज ले रही हूँ वो है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के अंदर इतने अच्छे गुण होते हैं आपकी स्किन के अंदर, ये जो भी पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, रफनेस है, उसको ये पूरी तरह से हटा देता है और आपकी स्किन को फेयर बनाता है। दूसरी चीज मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ वो है कोको पाउडर। आप चाहें तो इसको चॉकलेट भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कोको पाउडर लिया है। मैं बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी उसमें मैंने कोको पाउडर का यूज किया है क्योंकि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है और आपकी स्किन को फेयर करता है। स्पेशली स्किन वाइटनिंग के लिए ये कोको पाउडर बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पर ये कोको पाउडर ले रहे हैं, आप देखिए इस तरह से। तो जी हमने दोनों चीजों को अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। यहाँ पर मैं जो तीसरी चीज इसके अंदर मिला रही हूँ वो है जैतून का तेल। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जैतून का तेल मिला सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ गुलाब जल इसके अंदर मिला सकते हैं। तो हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये जैतून का तेल। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 से 5 ड्रॉप ही ये जैतून का तेल मिला रही हूँ। अब मैं इसमें जो चीज मिलाने जा रही हूँ वो है गुलाब जल। देखिए हम इसके अंदर मिला लेते हैं गुलाब जल और हमारा ये अच्छा सा फेस पैक बनकर रेडी हो जाएगा। और हम इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। आपके सामने ये आपको मिलाकर दिखा रही हूँ किस तरह से आपको इसको मिलाना है। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह का ये पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा और हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। एकदम ये हमारा फेस पैक, बढ़िया फेस पैक ये बनकर रेडी हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से थिक पेस्ट बनाना था कि आपके चेहरे पर अच्छी तरह से ये अप्लाई हो जाए और आपकी स्किन को एकदम फेयर बना दे और आपकी स्किन पर किसी तरह की भी रफनेस ये नहीं रहने देगा। तो चलिए हमने इसको मिला लिया, अब किस तरह से इसको लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से इसको यूज करना है। इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अपना चेहरा धोकर। आपको इसको ठंडे पानी से नहीं धोना है ना ही ज्यादा गर्म पानी से इसको धोना है फ्रेंड्स, आपको इसको नॉर्मल वाटर से धोना है। तो चलिए इसको 10 से 15 मिनट तक आराम से छोड़ देते हैं। इससे ये पूरी तरह, सर्दी का मौसम है तो पूरी तरह से ये सूखेगा भी नहीं और ये हल्का सा ये गीला रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको इसी तरह से धो लेना है इसको, इसको पूरी तरह से नहीं सुखाना है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो चेहरे को अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद देखिए स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई, एकदम साफ हो गई है। तो ये फेस पैक बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह से मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि जो मेरी नई वीडियो आती है वो सबसे पहले आप देख पाओ। तो इसी तरह से प्यार भी बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।